तो क्या हाल है मेरे भाइयों के सब बढ़िया है ना नथिंग फोन टू ए का ऑलरेडी मैं कैमरा कंपेयर कर चुका हूँ वीवो वी थर्टी एंड मोटो एच फोर्टी नीओ के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो वीडियो आप एक बार देख सकते हो दोबारा कैमरा टेस्ट करने का रीजन सबसे पहला ये है नथिंग फोन टू ए में एक और सॉफ्टवेयर अपडेट आया है एंड ये वाला भी जो अपडेट है वो लास्ट अपडेट की ही तरह कैमरा से रिलेटेड है बेसिकली कलर कॉन्ट्रास्ट एंड एच डी आर इमेज प्रोसेसिंग इम्प्रूव करिए ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट में मैंशन है लेकिन कितना एक्चुअल में डिफरेंस आया है वो इस वीडियो में पता चलेगा एंड ट्रस्ट मी कुछ कुछ जगह पे अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कैमरा में एक्चुअली में इंप्रूवमेंट मैंने नोटिस करी है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद ओ मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इसको आज हम कंपेयर करेंगे आइको Z9 के साथ जो दो से तीन हजार सस्ता है बैंक uh, ऑफर के बाद एटीन का मिल जाता है ये वैसे एंड ये ट्वेंटी टू के अराउंड आपको मिल जाएगा आइको जेड में फिफ्टी मेगा का प्राइमरी सेंसर दिया है सोनी आई एम एंड इस फ़ोन का प्राइस ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज से कम है बट प्राइमरी सेंसर में ओ एस भी दिया है टू मेगा पिक्सल का एक डेप सेंसर है जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है मेरी बियड थोड़ी सी वियड लग रही है एक सेकेंड लग रही है ना एकदम बढ़िया मैं यूज़ करता हूँ अगारो का ये ट्रिमर थ्री थाउजेंड रुपीज़ के अराउंड इसका प्राइस है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है बेसिकली मेटल की बॉडी है एंड जो ब्लेड्स हैं वो स्टेनलेस स्टील की है अब इस प्राइस सेगमेंट में जो बाकी ट्रिमर्स आते हैं वो इतने प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ नहीं होते प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं तो उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा फील होती है इसमें सेंटर में पावर बटन दिया है टर्न ऑन करते ही बहुत अच्छा टैक्टाइल फीडबैक मिलता है बटन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है नीचे एल डिस्प्ले देख रहे हो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आती है कितनी बैटरी रिमेनिंग है क्लियर कर देता हूँ टू आर अगर आप चार्ज करोगे तो अप टू वन ट्वेंटी मिनट्स का आपको रन टाइम मिल जाएगा बैटरी बैकअप अच्छा लगा है मैंने अभी तक जितना भी यूज़ करा है एंड टाइप सी पोर्ट के साथ आता है सबसे बेस्ट पार्ट ये है आजकल कुछ ट्रिमर्स आते हैं जिनमें माइक्रो माइक्रोवी पोर्ट है अब वो वाली केबल हमारे पास होती ही नहीं है तो टाइप सी केबल कनेक्ट करके इजीली चार्ज कर सकते हो ट्रिमर के साथ नाइन इन वन ग्रूमिंग किट दी गई है हेयर ट्रिम करने हो वेयर ट्रिम करनी हो या बॉडी हेयर ट्रिम करने हो कोई भी अटैचमेंट आप यूज कर सकते हो ट्रिमर को क्लीन करने के लिए बॉक्स के अंदर एक लोशन और एक ब्रश दिया गया है और ये आईपी एक्सवन रेटिंग के साथ आता है थोड़ा बहुत पानी भी चला गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अटैचमेंट्स और स्टेनलेस स्टील ब्रेड्स को आप ईजिली क्लीन कर सकते हो टू ईयर्स की यह वारंटी के साथ आता है मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगता है ये मतलब अगर इस प्राइस सेगमेंट में देखो तो मैंने बहुत सारे ट्रिमर्स पास्ट में यूज़ करे हैं लेकिन प्राइस को कंसिडर करते हुए एक तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही प्रीमियम है डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक दे रहा हूँ आप अपने लिए भी ऑर्डर कर लो गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं डेलाइट लाइट कंडीशन में टेन ए टी पी थर्टी एफ फेस पे बिकॉज दोनों ही फोनस के फ्रंट कैमरा से आप फोर के वीडियोज रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पर डायरेक्ट लाइट आ रही है मेरे फेस पे एंड आई को जेड नाइन की थोड़ी सी हालत खराब हो गई है ये एक्सपोजर ठीक से मेनटेन नहीं कर पा रहा मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है नथिंग फोन टू है एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेनटेन कर लेता है एंड मैं नोटिस करूँ स्किन टोन्स भी नथिंग फोन टू में ज़्यादा नेचुरल है आईकू जेड नाइन में थोड़ी सी ओवर वाइटनिंग ज़्यादा है आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग ऐड कर रही है मेरे फेस पे वॉक कर रहा हूँ तो वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको पता चल रही होगी वॉक करते हुए तो ठीक है एक बार रनिंग टेस्ट करते हैं भाग के दिखा रहा हूँ ठीक है वीडियो स्टेबलाइजेशन दोनों फ़ोन्स की थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी बट ये स्किन टोन्स अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा यार नेचुरल नहीं लग रही बिल्कुल भी आईक्यू जेड नाइन में बाकी एक चीज़ है जब बैकग्राउंड में ज़्यादा ब्राइट एरियाज होते हैं तो दोनों फ़ोन के कैमराज हाइलाइट्स मेंटेन करने में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं याद है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नथिंग फोन टू से जब सेल्फीज़ कैप्चर करते हैं तो एक तो स्किन टोन्स काफ़ी वियर्ड सी आती है एंड सेल्फीज काफ़ी सॉफ्ट आती है डिटेल्स नहीं थी पिक्चर्स में लेकिन 2.5.4 अपडेट के बाद डिटेल्स भी सफिशेंट है इस टाइम पर डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ रही लेकिन काफ़ी नेचुरल स्किन टोन्स देखने को मिली है बैकग्राउंड में हाईलाइट्स दोनों पिक्चर्स में वेल मेंटेनड है अच्छी डायनामिक रेंज दोनों फोन के कैमराज कैप्चर कर लेते हैं स्काई का जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा बेटर मेंटेन किया है नथिंग फोन टू ने अब इस टाइम पे आ रही थी डायरेक्ट सनलाइट पहले की ही तरह अभी भी नथिंग फोन टू ए का कैमरा एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करता है एंड सनलाइट आ रही है तो थोड़ी सी टोन देखने को मिली नथिंग फोन टू ए की इमेज में स्किन टोन्स बहुत नेचुरल देखने को मिली एक इशू तो फिक्स कर दिया आईकोज Z9 की इमेज में थोड़ी सी ओवर व्हाइटनिंग है स्किन टोन्स और नेचुरल होनी चाहिए थी फोर एड भी थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है पोर्ट्रेट सेल्फीज में दोनों फोन के कैमरास एजेस बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं ऐसा कोई स्मज्ड एजेस मैंने नोटिस नहीं करी है हाँ स्किन टोन्स अगेन नथिंग फोन टू ए में ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली है थोड़ा सा एक्सपोजर भी नथिंग फोन टू ए ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर लेता है कंपेयर टू आईकूजेड नाइन और अपडेट से पहले वो जो इशू था कि शार्प सेल्फीज़ कैप्चर नहीं कर पा रहा था ये जूम करके दिखाता हूँ दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स सफिशियंट है एंड नथिंग फोन टू ए में अब सेल्फीज काफ़ी शार्प आती हैं तो ये इशू फिक्स हो गया गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फोर के थर्टी एफ पी एस पे क्लियरली दोनों वीडियोज में कलर्स थोड़े से ओवर सेचूरेटेड हैं चाहे आप स्काई की तरफ देख लो या प्लांट्स का कलर देख लो थोड़े से बूस्टेड कलर्स हैं डायनामिक रेंज डिसेंट देखने को मिल रही है मुझ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरा फेस तो ऐसा ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा आईकू जेड नाइन में स्किन टोन्स काफ़ी नेचुरल है थोड़ी सी टोन देखने को मिल रही है नथिंग फोन टू एम ए स्किन टोन्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाइड है थोड़ी सी पिंकिश टोन में नोटिस कर रहा हूँ थोड़ी वियर्ड सी स्किन टोन्स देखने को मिली है नथिंग के वीडियो में फोकसिंग स्पीड दोनों कैमराज की मुझे फास्ट लगी है एंड ऑटो फोकस भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है मैं वॉक करते हुए स्टेयर उतर रहा हूँ वीडियो स्टेबलाइजेशन ठीक है मैं भाग रहा हूँ इस टाइम पे एंड नहीं डिटरनेस काफी ज्यादा है दोनों वीडियोस में वीडियो स्टेबलाइजेशन बेटर होनी चाहिए थी आईकूस Z9 में कलर कॉन्ट्रास्ट को आप चेंज कर सकते हो विविड और नेचुरल मोड से मैंने ये दोनों भी कैप्चर करी बट ऑप्टिमाइजेशन ठीक नहीं लगी बिकॉज एज सच कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में ही कलर थोड़े से ओवर सेचुरेटेड है अब अगर नथिंग फोन टू की इमेज से कंपेयर करूँ तो नथिंग फोन टू की इमेज में भी कलर्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड है बट बैकग्राउंड में हाईलाइट्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी है नथिंग ने इवन फोरग्राउंड में भी जो लीव्स हैं वो बेटर एक्सपोज है आईकूजेड नाइन में तो बैकग्राउंड में हाईलाइट्स थोड़ी सी ब्लोन आउट हो गई हैं इमेज को जूम करने के बाद डिटेल्स एंड फ्लार का टेक्स्चर दोनों ही पिक्चर्स में वेल well मेंटेन्ड है और काफ़ी शार्प है इमेज इस मैक्रो शॉट में बैकग्राउंड में हाईलाइट्स दोनों कैमराज ने प्रॉपरली मेंटेन करी है बट अगेन फोरग्राउंड थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है बेटर एक्सपोज्ड है नथिंग फोन टू ए की इमेज में अब कॉफ़ी की इमेज मैंने कैप्चर करी तो बैकग्राउंड में जो ए सी है उस पर थोड़ी सी सनलाइट आ रही थी एंड नथिंग फोन टू ए में ये वाला एरिया थोड़ा सा ओवर एक्सपोज आया है बट अगेन फोरग्राउंड में कॉफ़ी का टेक्चर एंड एक्सपोजर नथिंग फोन टू ए की इमेज में बेटर देखने को मिला है इस सैम्पल शॉट में ना कुछ लोगों को नथिंग फोन टू की इमेज हो सकता है बेटर लगे बिकॉज इमेज ज़्यादा ब्राइट है लेकिन मैं आपको बता दूँ मैं शेड के नीचे खड़ा होकर इमेज कैप्चर करवा रहा था तो थोड़ी सी शेडो आ रही थी मुझ पर अब नथिंग फोन टू ने एक ब्राइट इमेज कैप्चर करने के प्रोसेस में ठीक है ह्यूमन सब्जेक्ट बेटर एक्सपोज है बट बैकग्राउंड में सारी हाईलाइट्स ब्लोन आउट हो गई है आइकू Z9 ने मेरा फेस मतलब मेरी जो बॉडी है थोड़ी सी अंडर एक्सपोज है बट दैट्स ओके बैकग्राउंड में हाईलाइट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करी है एंड मेरे पे थोड़ी शेडो आ रही थी तो अगर ह्यूमन सब्जेक्ट यानी मैं थोड़ा सा अंडर एक्सपोज भी हूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ओवरऑल एक बैलेंस्ड इमेज आईकू जेड ने कैप्चर करी है लेकिन इस सैम्पल शॉट में आईकू जेड में थोड़ी सी क्रश शेडोज में नोटिस कर रहा हूँ अच्छी डायनामिक रेंज देखने को नहीं मिली तो कभी कभी स्ट्रगल करता है बेसिकली ये जो मिड रेंज सेगमेंट के फोन होते हैं ना थोड़ा सा इनकन्सिस्टें परफॉर्म करते हैं मेरे जिस हाथ में मैंने फोन होल्ड किया हुआ है वो हाथ थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है आईकू जेड में ओवरऑल नथिंग फोन टू ने डायनेमिक रेंज भी बेटर कैप्चर करी है एंड ओवरऑल एक्सपोजर भी बेटर मेंटेन किया है लेकिन पोर्ट्रेट शॉट्स यहाँ पे आईकू जेट ने मेरे को इम्प्रेस करा नथिंग फोन टू में अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है देखो पहले तो पोर्ट्रेट शॉर्ट्स जब हम रेयर कैमरा से कैप्चर करते थे तो पिक्चर्स काफ़ी सॉफ्ट आ रही थी लेकिन अब आप देख सकते हो नथिंग फोन टू ए ने काफी इम्प्रूव करा है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग गुड डिटेल्स इमेजेस काफ़ी शार्प आई है इन दोनों फोन्स की बट क्लियरली नथिंग फोन टू में अभी भी जो स्किन टोन्स है वो काफ़ी ब्यूटीफाइड है आईकू जेड में ज़्यादा नेचुरल स्किन टोन्स देखने को मिली दोनों फ़ोन के कैमराज एजस बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर रहे हैं एज सच कोई स्मज्ड एजेस नहीं है काफ़ी नीट और क्लीन एजिज देखने को मिली एंड बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक देखने को मिलता है बट स्किन टोन्स नेचुरल होने की वजह से आईकू जेड के पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे बेटर लगे हैं सोच रहे होगे अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स क्यों नहीं कंपेयर करें वो मैं कर ही नहीं सकता आईकू जेड में अल्ट्रा वाइड एगल लेंस नहीं है तो कंपेयर करने का को कोई फ़ायदा नहीं है नथिंग फोन टू में फिफ्टी मेगा का सेंसर दिया गया है बट इसको अभी भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है अब लो लाइट में वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों फोन के कैमरा स्ट्रगल करते हैं आईकू Z9 में लाइट्स थोड़ी सी ओवर एक्सपोज ज़्यादा हो रही हैं इवन वीडियो थोड़ी अंडर एक्सपोज भी है एंड वीडियो में नॉइस काफ़ी ज़्यादा है नथिंग फोन 2A की वीडियो में भी नॉइस है बट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आईकू Z9 में नोटिस कर रहा हूं मैं स्टिल वीडियो क्वालिटी लो लाइट में दोनों ही फोन की एवरेज है नथिंग फोन टू की बस थोड़ी सी बेटर है इवन वीडियो की ही तरह मैं नोटिस कर रहा हूँ आईकू Z9 में स्काई में देख सकते हो नॉइस काफ़ी ज़्यादा है नथिंग फोन टू में नॉइस काफ़ी कंट्रोल में है इवन फोरग्राउंड में डिटेल्स भी काफ़ी बेटर देखने को मिली नथिंग फोन टू में वेल इमेजेस तो मैंने नाइट मोड एनेबल करने के बाद ही कैप्चर करी हैं बट इस सैम्पल शॉट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नोटिस कर रहा हूँ बिकॉज लाइट्स एज सच ओवर एक्सपोज नहीं हो रही हैं और फोरग्राउंड बेटर एक्सपोज आया है नथिंग फोन टू में इवन डिटेल्स भी बेटर है एंड नॉइस भी नथिंग की इमेज में कम देखने को मिली है वेल इस सैम्पल शॉट में आईकूज एड नाइन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज क्लियरली बिल्डिंग का एक्चुअल कलर नथिंग फोन टू ए ने बेटर मेंटेन किया है ओवरऑल एक्सपोजर भी वेल well बैलेंस देखने को मिला है एज सच लाइट्स दोनों ही इमेजेस में ओवर एक्सपोज नहीं हो रही इवन लाइट्स का कलर तो दोनों ही पिक्चर्स में वेल well मेंटेन्ड है अब सारे कैमरा सैम्पल्स को एनालाइज करने के बाद मैं खुद थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया हूँ देखो लो लाइट में तो क्लियरली नथिंग फोन टू है फार बेटर परफॉर्म कर रहा है नॉइस भी कम थी इमेज में डिटेल्स भी बेटर थी एंड एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छे से मेनटेन कर लेता है आईकू जेड नाइन की इमेजेस काफ़ी सॉफ्ट आती है लो लाइट में इमेजेस में नॉइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो अगर लो लाइट में पिक्चर ज़्यादा कैप्चर करते हो तो नथिंग फोन टू है आप कंसिडर कर सकते हो एंड होपफुली वो जो पोर्ट्रेट शॉट्स में ब्यूटीफाइड स्किन टोन्स आ रही हैं उन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट देके अगर नथिंग फिक्स कर दे तो इसका कैमरा अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा फिलहाल अगर आप पोर्ट्रेट शॉट ज़्यादा कैप्चर करते हो देन इन दैट केस आईको जेड नाइन आपके लिए एक बेटर फोन रहेगा आपको लो लाइट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उम्मीद करता हूँ कैमरा कंपेरिज़न इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा ओवरऑल कंटेंट तो वीडियो को लाइक like करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार ऐसे ही तो सपोर्ट करके वन मिलियन सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट कराओगे मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ